लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के औद्योगिक विकास महामंडल यानी MIDC में दलालों और भूमाफियाओं के बोलबाला का नया खुलासा सामने आया है। आरोप है कि MIDC अधिकारियों और कुछ कथित दलालों ने प्रकल्पग्रस्तों को मिलने वाले दर्जनों भूखंडों को फर्जी दस्तावेज बनाकर ऐसे लोगों के नाम आवंटित करवा दिया है जो पात्र और प्रकल्पग्रस्त ही नहीं है। टीवी वन इंडिया से मदद की गुहार लगाते हुए एक प्रकल्पग्रस्त नाथूराम टोपले और उसके परिजनों ने बताया कि वे लगातार 3 सालों से MIDC का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें समाधान देने के बदले फाइल गुम होने का हवाला देकर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने MIDC में चल रहे इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गरीब लोकांना फसवून त्यांच्याकडून प्लॉट घेतलेले आहेत। विकास पाटील आणि MIDC च्या काही अधिकारी मिळून हे घोटाळा केलेले आहेत, तर त्यांच्यावर कारवाई हवी आणि त्यांचे जे ओरिजिनल लोक आहेत त्यांना हे प्लॉट मिळावे। मी MIDC मध्ये 3 वर्षापासून जातो आम्ही, पण आम्हाला अजून आमचा प्लॉट नाही भेटला। विकास पाटलांनी दुसरी खोटी माणसं उभी करून दुसऱ्यांना दिलेलं आहे, खोटा आहे सर्व। तर आमची प्रॉपर्टी आम्हाला भेटायला पाहिजे आणि ज्यांनी विकले खोटं व्यवहार केलेलं आहे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। क्या औद्योगिक विकास महामंडल यानी MIDC वाकई दलालों और भूमाफियाओं का अड्डा बन गई है? क्या नवी मुंबई के MIDC कार्यालय में PAP भूखंडों को हड़पने का बड़ा खेल चल रहा है? क्या MIDC के अधिकारी दलालों और RTI एक्टिविस्टों के साथ मिलकर PAP भूखंडों पर डाका डालने में जुटे हैं? यह सवाल तब से और भी गंभीर हो गया है जब से दीघा के नाथूराम टोपले, भारती दत्तू कड़ू और तस्वीर में दिख रहे इन दर्जनों प्रकल्पग्रस्तों ने MIDC भूखंडों के आवंटन में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इन प्रकल्पग्रस्तों की माने तो दीघा में उनके माँ बाप के नाम पर आरक्षित PAP भूखंड मिलने वाला था। अप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन 3 सालों से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सवाल पूछने पर अधिकारी बताते हैं कि फाइल गुम हो गई है। प्रकल्पग्रस्तों ने इसे षड्यंत्र मानते हुए आरोप लगाया कि MIDC अधिकारियों ने विकास पाटिल नामक एक एजेंट के साथ मिलकर उनका भूखंड किसी और बोगस PAP को आवंटित करवा दिया है। इन प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाने में जुटे समाजसेवी हेमंत पाटिल ने इसे MIDC अधिकारियों और कथित दलालों का घोटाला बताया और प्रकल्पग्रस्तों को उनका भूखंड देने की मांग की। माझं नाव आहे भारती दत्तू कडू, माझ्या वडिलांचं नाव आहे नामदेव बुद्या खैरे। मी MIDC मध्ये 3 वर्षापासून जातो आम्ही, पण आम्हाला अजून आमचा प्लॉट नाही भेटला। माझ्या वडिलांचा प्लॉट विकास पाटलांनी दुसरी खोटी माणसं उभी करून दुसऱ्यांना दिलेला आहे, खोटा आहे सर्व। माझ्या वडिलांची प्रॉपर्टी मला पाहिजे। माझं नाव नथुराम जिब्रू टोपले आहे आणि माझी प्रॉपर्टी आईची ती आम्हाला भेटलेली नाही, ती दुसऱ्याच्या नावाने नंदा रमेश वागे याही खोटी माणसं उभी करून विकलेली आहे। दिघा येथील काही शेतकरी माझ्याकडे आले, पात्र असून कुठलाही प्लॉट त्यांना देण्यात आले नाही। यांची जमीन होती, यांच्या वडिलांच्या नावावर जमीन होती, त्याचे ते MIDC कडून प्लॉट मिळणार होते, पण दुसऱ्याच लोकांनी त्याच्यावर खोटी पेपर दाखवून खोटे पेपर लावून ते प्लॉट काढलेले आहेत। आम्ही शहानिशा केली, त्यावेळेस आम्हाला नगरपालिकेने लिहून दिलं की हे पेपर खोटे आहेत म्हणून, आणि त्यांचे मृत्यू दाखले हे खोटे आहेत आणि ही जमीन त्यांची नाही आहे आणि ते लोक इथे राहतही नाही। विकास पाटील आणि MIDC च्या काही अधिकारी मिळून हे घोटाळा केलेले आहेत, तर त्यांच्यावर कारवाई हवी आणि त्यांचे जे ओरिजिनल लोक आहेत त्यांना हे प्लॉट मिळावे। बताना जरूरी है कि MIDC द्वारा अलॉट होने वाले कुल भूखंडों में से 90% भूखंड दलालों के जरिए ही आवंटित होते हैं। यही वजह है कि दीघा के प्रकल्पग्रस्त नाथूराम टोपले और भारती कड़ू जैसे प्रकल्पग्रस्तों ने एजेंट विकास पाटिल के साथ एग्रीमेंट किया था। प्रकल्पग्रस्तों का आरोप है कि कथित एजेंट विकास पाटिल और MIDC अधिकारियों ने उनकी जगह नंदा रमेश वाघे और द्वारका गणेश वाघे को बोगस पात्रता धारक बनाकर उनके नाम पर भूखंडित आवंटित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्रता के लिए दाखिल मृत्यु प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेजों को फर्जी बताते हुए प्रकल्पग्रस्तों ने कहा कि यह एक बड़ा लैंड घोटाला है जिसमें MIDC के अधिकारी
और विकास पाटिल जैसे लोग शामिल हैं, इसलिए इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। एमआरडीसी यानी विकास पाटिल यानी आणि ते मिलीभगत करून गरीब लोकांना फसवून त्यांच्याकडून प्लॉट घेतलेले आहेत। जे मेन मालक आहेत, जे पात्र आहेत, त्यांच्या नावावर त्यांनी न देता, त्यांना पैसे न देता त्यांनी सगळे हे काम केलेलं आहे। विकास पाटील आणि एमआरडीसीच्या काही अधिकारी मिळून हे घोटाळा केलेले आहेत, तर त्यांच्यावर कारवाई हवी आणि त्यांचे जे जे ओरिजिनल लोक आहेत त्यांना हे प्लॉट मिळावे। एमआरडीसीकडे गेलेलो तर त्याही जबाब दिला का तुमची प्रॉपर्टी भेटेल किंवा नाही भेटणार असं काही नक्कीच सांगितलेलं नाही। तर आमची प्रॉपर्टी आम्हाला भेटायला पाहिजे आणि ज्यांनी विकले खोटं व्यवहार केलेलं आहे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। टीव्ही वन इंडिया किसी के आरोपों और दावों को सत्यापित नहीं करता, इसलिए हमने इन आरोपों में घिरे कथित एजेंट विकास पाटिल और एमआरडीसी अधिकारियों से जवाब जानना चाहा, लेकिन दोनों ने कैमरे पर प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता विकास पाटिल ने इतनी सफाई जरूर दी कि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है और उनके खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। खैर, इस मामले में हुई शिकायत ने अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। टीवी वन इंडिया के हाथ लगे दस्तावेज इसका संकेत देते हैं कि यदि भूखंड आवंटनों की गंभीरता से जांच की गई तो इससे कई लैंड घोटाले बाहर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।